की शास्त्र रघुनाथ प्रसाद शास्त्री प्रतिदिन की तरह लेकर आया हूँ आपका राष्ट्र और पंचांग जो चंद्र राशि पर आधारित है। जानते हैं आज का राशिफल और पंचांग। दोस्तों जय शंकर की, मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जानते हैं आज का राशिफल व पंचांग। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज मंगलवार 1 अगस्त 2023 है। विक्रम संवत 280 नल, शक संवत 1945 श्रावण अधिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है, जो रात्रि 12:01 तक रहेगी। सूर्योदय प्रातः 5:42 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 7:12 पर होगा। उत्तराखाड़ा नक्षत्र है, जो शाम को 4:03 तक रहेगा। प्रीत योग है, जो शाम को 6:53 तक रहेगा। सूर्य कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे। शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:18 से 5 तक रहेगा। प्रातः संध्या का समय प्रातः 4:39 से 5:42 तक रहेगा। यह पूजन के लिए शुभ समय माना जाता है। अब जीत मुहूर्त का समय है दिन के 12 से 12:54 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे वह निर्विघ्न संपन्न होगा। अशुभ समय राहु काल का समय है दिन के 3:50 से 5:31 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे तो आपके कार्य में दिक्कतें और कठिनाइयां आ सकती हैं। हो सकता है आपका कार्य सफल न हो, इसलिए इस समय को टालें, शुभ समय का इंतजार करें। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें मैं रघुनाथ प्रसाद शास्त्री से 9453555111 पर प्रत्येक दिन रात्रि 10 से 12 तक निःशुल्क। आइए जानते हैं आज का संपूर्ण राशि फल। सबसे पहले जानते हैं प्रथम राशि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला। आज खर्च अधिक होने के योग दिख रहे हैं। मित्रों और स्वजनों के साथ आनंद उल्लास प्राप्त होगा। सुंदर वस्त्र आभूषण और भोजन का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। दोपहर के बाद स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आइए जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला। आज ताजगी और स्फूर्ति के अभाव से अस्वस्थता अनुभव हो सकती है। मन में चिंता की भावना रह सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ अनबन या तकरार होने से मन खिन्न हो सकता है। आइए जानते हैं अगली राशि मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज सामाजिक आर्थिक तथा पारिवारिक क्षेत्र में लाभ होने की संभावना है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मित्रों की तरफ से लाभ मिल सकता है और उनके पीछे पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं अगली राशि कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज सोच समझ कर कोई भी निर्णय लें, क्योंकि कोई आज आपको बहका सकता है। बहकावे में आकर कोई भी अनैतिक कार्य कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको परेशान होना पड़ सकता है। आइए जानते हैं अगली राशि सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आपको राजनीतिक व्यक्तियों से पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी समस्या में फंस सकते हो, आप स्वयं के विवेक से काम लें। किसी के बहकावे में आकर कोई गलत कदम
उठाना महंगा पड़ सकता है। आइए जानते हैं अगली राशि कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज के दिन आप कोई भी नया कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। दिन आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है। आज आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। निजी कार्यों के पीछे अधिक मात्रा में धन खर्च भी करना पड़ सकता है, या भी कह सकते हैं धन खर्च होने के योग भी बने हुए हैं। आइए जानते हैं अगली राशि तुला राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज काफी दिनों से सोचे हुए कार्यों में सफलता मिलने के पूर्ण योग दिख रहे हैं। नौकरी पेशे वाले व्यक्तियों को अपने अधिकारी से सहानुभूति प्राप्त होगी। बिजनेस करने वाले व्यक्तियों को अपने सहयोगी का सहयोग प्राप्त होगा। अपने कार्य में स्वयं ध्यान देने की आवश्यकता समझें, यही बेहतर होगा। आइए जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला। आज राजनीतिक व्यक्तियों के लिए दिन विशेष महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। उन्हें गिफ्ट या उपहार मिलने के योग बने हुए हैं। व्यापारी वर्ग का दिन सामान्य रहेगा। आइए जानते हैं अगली राशि धनु राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज किसी कार्य में ज्यादा सोच विचार न करें। यदि कार्य करने का मन बना ही लिया है तो अवश्य अपना कार्य प्रारंभ कर दें। कार्य में सफलता सुनिश्चित है। पत्नी या किसी महिला से विवाद न करें, यही आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है। आइए जानते हैं अगली राशि मकर राशि की जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज स्वास्थ्य को संभालने के साथ ही वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। मनोरंजन के पीछे धन अधिक खर्च करना पड़ सकता है। सामाजिक रूप से ख्याति प्राप्त होने से आज व्यवसायिक आर्थिक तथा सामाजिक रूप से लाभदायी दिन माना जाएगा। आइए जानते हैं अगली राशि कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आय में वृद्धि होने के योग बने हुए हैं, दिख रहे हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और धन लाभ होने के संकेत हैं। प्रत्येक कार्य सरलता पूर्वक संपन्न होगा। कार्यालय में ऊपरी अधिकारी को आपके कार्य से संतोष रहेगा और पदोन्नत के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं अगली राशि यानी अंतिम राशि मीन राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आय में वृद्धि होने के योग बने हुए होने की संभावना पूर्ण है। व्यापारी वर्ग के लिए सुबह का समय अनुकूल नहीं है। अधिकारी वर्ग के साथ विवाद में न पड़े। प्रभाव का योग बना हुआ है। अपूर्ण कार्य पूर्ण होने के पूर्ण योग भी बने हुए हैं। ज्योतिष परामर्श के लिए संपर्क करें मैं रघुनाथ प्रसाद शास्त्री से 94355555111 पर प्रत्येक दिन रात्रि 10 बजे से 12 बजे तक निःशुल्क।